हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सोने और चांदी के बेड की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, कानपुर गांव में करण और प्रिया नाम के दो भाई बहन रहा करते थे। उनके माता पिता की मृत्यु कई साल पहले ही हो गई थी। प्रिया और करण बचपन से ही एक दूसरे का सहारा बनकर रहते थे। करण प्रिया का बड़ा भाई था जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी अपने घर को चलाने के लिए, अपनी बहन की सारी जरूरतें पूरी करने के लिए वो कपड़ों की दुकान में काम किया करता था। माता पिता की मृत्यु के बाद करण ने अपनी कमाई से, अपने पैसों से प्रिया की पढ़ाई करवाई। पढ़ लिख कर प्रिया अब एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने का काम किया करती थी। दोनों के कमाने की वजह से ही घर के सारे खर्चे अच्छे से चल पाते थे। करण और प्रिया दोनों भाई बहन ही भगवान पर बहुत विश्वास किया करते थे और वो दोनों भगवान की प्रार्थना भी किया करते थे। ऐसे ही एक दिन प्रिया स्कूल के लिए निकल रही थी, तभी वो अपने भाई को बोलते हुए जाती है, अच्छा भैया अब मैं चलती हूँ वरना मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है प्रिया, तू जा, लेकिन आराम से और ध्यान से जाना, अभी कोई ज्यादा लेट नहीं हुई है, कल जल्दी जल्दी के चक्कर में खुद को चोट लगा ली। ठीक है तू जा, और मुझे भी जाना है दुकान पर, अपना ध्यान रखना। फिर प्रिया स्कूल पढ़ाने के लिए अपने घर से चली जाती है। करण और प्रिया में बहुत ही अच्छी बनती थी। करण प्रिया से बहुत प्यार करता था। प्रिया को स्कूल में पढ़ाने के जितने भी पैसे मिलते थे वो महीने के सारे पैसे लाकर अपने भाई के हाथ में रख देती थी। हर बार की तरह इस बार भी महीना पूरा हो जाने पर प्रिया को स्कूल से उसकी सैलरी मिलती है। तो घर आकर प्रिया अपने सारे पैसों को लेकर अपने भाई के पास जाती है और करण से बोलती है, भैया ये लो, मुझे स्कूल से सैलरी मिली है, ये पैसे आप अपने पास रख लो। अरे नहीं प्रिया, तुम अपने पैसे अपने पास रखो, तुम हर महीने अपनी सारी सैलरी लाकर मुझे दे देती हो, कभी तो तुम अपने पास रख लिया करो, और फिर तुम्हें कभी भी उन पैसों की जरूरत पड़े तो इसमें से निकाल कर तुम खर्च कर लेना। नहीं नहीं भैया, मुझे अगर कभी भी पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे मांगकर काम कर लूँगी, लेकिन भैया पैसे रखने का काम आप ही कीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है बहन, अब तू जाकर हाथ मुंह धोकर जल्दी से खाना खाने के लिए बैठ जा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए खाना निकाल दिया है। इसी तरह से दोनों भाई बहन अपना जीवन खुशी खुशी बिता रहे थे। फिर एक दिन जब प्रिया स्कूल से पढ़ा कर घर वापस लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में एक लड़का रोक लेता है और उससे बोलता है, प्रिया तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? नहीं नहीं, मैं किसी को दोस्त नहीं बनाती हूँ, अगर तुम्हें मेरा दोस्त बनना है तो पहले मैं अपने भैया से पूछूंगी, फिर उसके बाद तुम्हें बताऊंगी। फिर उस दिन प्रिया घर पहुँच कर अपने भाई करण को रास्ते में मिले सुनील नाम के लड़के के बारे में सब कुछ बताती है। भैया रास्ते में मुझे सुनील मिला था, वो मुझसे दोस्ती करने के लिए बोल रहा है, क्या मैं उससे दोस्ती कर सकती हूँ? अरे बहन तुम इतनी सी बात मुझसे क्यों पूछ रही हो, तुम्हारा जैसा मन करे वैसा करो, वैसे सुनील तो बहुत अच्छा लड़का है। फिर इस तरह से सुनील और प्रिया की दोस्ती हो जाती है।
लेकिन जब भी प्रिया करण के बारे में कोई भी बात सुनील को बताती थी तो सुनील को बहुत तेज गुस्सा आ जाता था। अच्छा सुनील, अब मैं घर चलती हूँ, मेरे भैया घर पर अकेले होंगे। प्रिया के वहाँ से चले जाने के बाद सुनील सोचता है, अरे यार, प्रिया तो हमेशा अपने भाई के बारे में ही बात करती रहती है, मुझ पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। इन दोनों भाई बहन को अलग करना ही सही रहेगा, तभी शायद प्रिया थोड़ा सा ध्यान मुझ पर डाल पाएगी। फिर उसी दिन से सुनील प्रिया को करण के खिलाफ भड़काने लगता है। अरे नहीं नहीं सुनील, ये तुम क्या कह रहे हो, मेरे भैया ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। शुरू शुरू में तो प्रिया सुनील को डांट देती थी, लेकिन रोज रोज वही बातें सुनने के बाद प्रिया भी धीरे धीरे सुनील की बातों में आने लगती है। फिर एक दिन सुनील प्रिया के घर पर आकर प्रिया से बोलता है, प्रिया मैं तुम्हें पहले ही बोल दे रहा हूँ, तुम अपनी सारी सैलरी अपने भाई के हाथ में मत दिया करो, सारे पैसे वो लेकर किसी न किसी दिन कुछ बड़ा कर देगा और उसमें से तुम्हें कुछ भी नहीं देगा। तुम अपनी हर महीने की सैलरी अपने भाई को देना बंद कर दो, इसलिए मेरी बात मानो, अपने भाई को पैसे मत दिया करो। तुमसे अगर अपने पैसे संभाले नहीं जाते तो तुम मुझे दे दिया करो, मैं तुम्हारे पैसे अपने पास संभाल कर रखूंगा। अरे सुनील, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मेरे भैया कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, अपने भैया को मैं अच्छे से जानती हूँ, और तुम मेरे भैया के बारे में इतना बुरा बुरा मत बोला करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इधर करण के पास अपनी सैलरी जोड़कर और अपनी छोटी बहन प्रिया की सैलरी को जोड़कर घर के खर्च निकालने के बाद कुछ सेविंग बचाई हुई थी। उन पैसों से वो अपनी एक छोटी सी जमीन खरीदना चाहता था। इतने दिनों से पैसा जोड़ने के बाद आज हमारे पास इतना पैसा हो गया कि हम एक छोटी सी जमीन अपने लिए ले सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं पहले जमीन खरीद लेता हूँ, फिर प्रिया को सरप्राइज दे दूंगा, जिसे सुनकर प्रिया बहुत खुश हो जाएगी। करण बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो अगले दिन जाकर जमीन देखकर उसकी पेमेंट भी कर देता है और उसके कागज लेकर घर वापस आ जाता है, पर वो कागज सामने टेबल पर रख कर किचन में खाना बनाने के लिए चला जाता है। तभी थोड़ी देर में घर पर प्रिया आ जाती है और टेबल पर रखा कागज वो देख लेती है और प्रिया वो कागज देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि जमीन के कागज पर करण का नाम लिखा हुआ था, जिसे देखकर प्रिया बहुत ही गुस्से में बोलती है, अरे ये तो किसी जमीन के कागज हैं, मुझे तो लगता है भैया ने कोई जमीन खरीदी है, लेकिन अगर भैया ने जमीन खरीदी तो मुझे इसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया, और जमीन के कागज पर भी भैया का नाम लिखा हुआ है पर मेरा नाम नहीं, क्या भैया मुझे धोखा दे रहे हैं? इसका मतलब सुनील मुझे जो सारी बातें बताता था वो सही बातें थी, मैंने ही भैया पर कुछ ज्यादा ही विश्वास कर लिया। प्रिया ये सारी बातें सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर करण आ जाता है। करण वहाँ आकर बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि ये कागज देखकर प्रिया भी बहुत खुश होगी और खुशी खुशी प्रिया से बोलता है, अरे प्रिया मेरी बहन, तुम आ गई, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ। बस करो भैया, मैं अब आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ, अब अपना नाटक आप बंद करो, सुनील ने मुझे आपके बारे में सारी बातें बता दी हैं, पर मैं ही पागल थी जो उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी, वो तो बेचारा मुझे सही कह रहा था कि तुम अपने लिए कुछ ना कुछ बड़ा ही करोगे,
और उसमें मेरी कोई भी हिस्सेदारी नहीं होगी। और आपने वही किया, आपने अपने नाम से जमीन खरीद ली और मुझे बताया भी नहीं। अरे बहन, तू मेरी बात तो सुन। अब सुनने के लिए रह ही क्या गया है भैया, जो मैं आपकी बातें सुनूं? अब मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। प्रिया गुस्से में घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है और जाकर सुनील के घर में रहने लगती है। ये सब देखकर करण को बहुत बुरा लगता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। वो उसी दिन जाकर जमीन के कागज पर से अपना नाम हटवा करके प्रिया का नाम डलवा देता है। फिर करण उसी दिन प्रिया के घर जाकर प्रिया से बोलता है, प्रिया मेरी बहन, ये लो जमीन के कागज, मैंने पूरी जमीन तुम्हारे नाम कर दी है। प्रिया अब तुम चलो ना मेरे साथ घर चलो। अब मैं तुम्हारे साथ उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, और अच्छा होगा तुम भी यहाँ से चले जाओ। करण नाराज मन से कागज वही रख कर वहाँ से चला जाता है। प्रिया सुनील के साथ ही रहती है, लेकिन वो करण के पास वापस अपने घर नहीं लौटी, जिसकी वजह से करण अपने घर पर अकेला हो गया था। फिर कुछ महीनों बाद प्रिया रोते हुए अपने घर करण के पास वापस आती है। प्रिया को आते हुए देखकर करण बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह मेरी बहन प्रिया, तुम अपने घर वापस आ गई। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो भैया, जब मैं आपके खिलाफ गई, वो सुनील बहुत ही गंदा लड़का है, उसने जमीन अपने नाम करवा ली है और मुझे भी अपने घर से बाहर निकाल दिया। और भैया मेरे पास जितने भी पैसे बचे थे उसने वो पैसे भी मुझसे ले लिए। कोई बात नहीं बहन, पर अब तुम मेरे पास मेरे घर पर ही रहोगी और सारी बातों को भूल जाओ। ठीक है अब चलो मेरे साथ, हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान सब ठीक कर देंगे। इतना बोलकर दोनों भाई बहन आंख बंद करके भगवान को याद करने लगते हैं और सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना करते हैं। दोनों भाई बहन की अच्छाई देखकर वहाँ एक परी प्रकट होती है और दोनों भाई बहन से बोलती है, तुम दोनों भाई बहन की अच्छाई देखकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ, और तुम दोनों चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम दोनों भाई बहन तो भगवान पर बहुत विश्वास करते हो ना, इसलिए तुम दोनों आज मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। और अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें सोने और चांदी के दो बेड दे रही हूँ, जिससे तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और ये दोनों ही बेड कोई मामूली बेड नहीं है, सोने और चांदी के साथ साथ ये दोनों ही बेड जादुई हैं। ये सोने और चांदी के बेड तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे, तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो तुम इन सोने और चांदी के बेड से बोल सकती हो, तुम दोनों भाई बहन की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन परी, उस सुनील ने हमारी जमीन के कागज ले लिए हैं। मैं जानती हूँ प्रिया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना बोलकर परी वहाँ पर सोने और चांदी के दो जादुई बेड प्रकट करती है और वहाँ से चली जाती है। सबसे पहले प्रिया उस बेड से अपनी जमीन के कागज मंगवाने के लिए बोलती है। प्रिया के इतना बोलते ही देखते वो कागज उनके बेड पर आ जाता है और अब उस कागज पर करण का नाम होता है। ये देखकर प्रिया बहुत खुश होती है और अब दोनों भाई बहन
खुशी खुशी रहने लगते हैं। और उन दोनों बेडों की मदद लेकर वो अपने जैसे और भी लोगों की मदद करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किशोरपुर नामक गांव में टीना और मीना नाम की दो सहेलियां रहती थी। एक बार मीना पानी लेने के लिए जंगल के एक कुएं के पास जा रही थी, तभी उसे एक नदी दिखाई देती है। तो वो वहाँ रुक जाती है और कहती है, अरे अचानक से ये नदी यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो पहले कभी ये नदी नहीं देखी। इसका पानी कितना साफ है, क्यों ना आज मैं इस नदी से पानी ले जाऊं। मीना जैसे ही नदी के करीब जाती है, वो नदी मीना को अपनी तरफ खींच लेती है और घर में उसकी सहेली टीना उसका इंतजार कर रही होती है। ये मीना कहाँ रह गई? उसने पानी लाने में कितना वक्त लगा दिया, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? मुझे जाकर उसे ढूंढना चाहिए। ये कहकर टीना मीना को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगती है। जंगल में पहुंचकर टीना को मीना का घड़ा दिखाई देता है। अरे ये घड़ा तो मीना का है, पर मीना कहाँ है? वो अचानक से कहाँ चली गई? टीना ये सोच ही रही होती है कि वहाँ पड़ा एक पत्थर बोलने लगता है, सुनो टीना, मीना को मायावी नदी ने खा लिया है। अब मीना कभी वापस नहीं आ पाएगी। इस जंगल में हर साल एक मायावी नदी आती है और जो भी उसके पास जाता है वो उसका शिकार करके वापस चली जाती है। क्या मीना को मायावी नदी ने खा लिया? अब क्या होगा? मुझे अपनी सहेली को वापस लाना है, प्लीज मुझे बताओ मैं मीना को कैसे बचाऊं? मुझे कैसे भी करके मीना को उस नदी से निकालना ही होगा। एक रास्ता है मीना को वापस लाने का, आज रात में यहाँ से दूसरी नदी जाएगी, सुनहरी नदी। अगर तुम उस नदी को सोने और चांदी के दोनों घड़े दे दोगी तो वो तुम्हारी सहेली को वापस कर देगी। पर मुझे वो घड़े कहाँ से मिलेंगे? उन घड़ों के लिए मुझे क्या करना होगा? पहला घड़ा तुम्हें इस जंगल की परी के पास मिलेगा और दूसरा घड़ा तुम्हें इस जंगल की बुरी जादूगरनी के पास मिलेगा। अगर वो घड़ा लाने में तुम कामयाब होती हो तो तुम अपनी सहेली को बचा लोगी। मैं वो घड़े कैसे भी करके लेकर आऊंगी। अब मैं चलती हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। ये कहकर टीना वो घड़े लेने के लिए जंगल की परी के पास पहुँचती है। परी जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरी मदद करिए। मेरी सहेली मीना मायावी नदी का शिकार बन गई है, मुझे उसे कैसे भी करके वापस लाना है। उसके लिए मुझे वो सोने और चांदी के घड़े चाहिए। तुम शायद जानती नहीं, उस नदी से कभी भी कोई बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो जंगल की उस बुरी जादूगरनी के पास जाए। अगर मैं तुम्हें सोने का घड़ा दे भी दूं, पर तब भी तुम उस जादूगरनी से चांदी का घड़ा नहीं ला पाओगी। परी जी, मुझे अपनी सहेली को बचाना है, इसलिए मैं उस जादूगरनी के पास जाऊंगी और वो घड़ा जरूर लेकर आऊंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें वो घड़ा दे रही हूँ ताकि तुम अपनी सहेली को बचा पाओ। शुक्रिया परी जी, अब मैं चलती हूँ। टीना वो सोने का घड़ा लेने के बाद जादूगरनी के पास जाती है। कौन हो तुम और मेरे इस जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मेरा नाम टीना है, आज मायावी नदी मेरी सहेली मीना को अपने साथ ले गई। मुझे मीना को वापस लाना है, जिसके लिए मुझे चांदी का घड़ा चाहिए। तुम तो बहुत बहादुर हो जो बिना डरे मेरे पास आ गई। ठीक है, मैं तुम्हें वो घड़ा दे रही हूँ और आशा करूँगी कि तुम्हें तुम्हारी सहेली मिल जाए। जादूगरनी आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस घड़े के लिए। अब मैं चलती हूँ, उस मायावी नदी का आने का वक्त हो गया है।
ये कहकर टीना उसी जगह घड़ा लेकर पहुंच जाती है और कुछ देर बाद वहां दूसरी नदी प्रकट हो जाती है, जिसे देखकर टीना कहती है, जादुई नदी, मैं तुम्हारे लिए दोनों घड़े ले आई हूँ, अब तुम मेरी बहन को वापस कर दो। टीना के इतना कहते ही वो दोनों घड़े वहाँ से गायब हो जाते हैं और उनकी जगह मीना आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टीना, मुझे इस जादुई नदी से बाहर निकालने के लिए। अगर तुम मुझे नहीं बचाती तो मैं कभी वापस नहीं आ पाती। कोई बात नहीं मीना, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम भी मुझे इसी तरह बचाती। अब चलो घर चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।